आज जब मैं सुबह मार्केट गया तो मैं इनके लिए चूज़ों के लिए ये वाला दाना, ये वाली फीड ले आया था मैं चूज़ों के लिए ना, और मुर्गियों के लिए भी दाना ले आया हूँ। यह ख़त्म होगा तो फिर ये भी ले आऊँगा। फिलहाल ये मैं इकट्ठा लेकर आया था, माशाल्लाह से इन्होंने खाया जी, तो दूसरा जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं फिर और ले आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल रात से बारिश होती रही जी, आज सारा दिन बारिश होती रही है। अब ज़रा थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो मौसम ठंडा हो जाए तो चूज़े जो हैं वैसे ही इकट्ठे हो गए जैसे बीमार हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी, चूज़े सारे अपनी माँओं के साथ बंद किए हुए मैंने। पूरा मौसम ठंडा हुआ है तो चूज़े जो है ना थोड़े इकट्ठे हो रहे थे। इस वाली मुर्गी के दो जी आयाम से मानी जो चूज़े थे ना वो मर गए बेचारे। बाकी ये माशाल्लाह जो बड़े चूज़े हैं मैंने इनको बंद किया हुआ है, इनको भी, और बाकी हाथ से फिर भी रहे। ये देखो मौसम काफ़ी अब बदल गया, पहले जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती रही है, ठंडा मौसम था, और ये देखें ऐसे जैसे बुखार हुआ इनको, सर्दी सर्दी कर रहे हैं। कबूतरों को भी देख सकते, इनके पिंजरे में भी पानी आ गया होगा ये ऊपर से ना, और जो डब है ना उनका पिंजरा भी गीला गीला हो गया। यार बारिश होती रही है, मौसम ठंडा तो हो गया, सुकून अब इनको। पहले तो गर्मी से बुरा हाल था सभी जानवरों का। काले बादल फिर आ गए हैं, बारिश फिर लगता होने वाली है, मौसम काफ़ी ठंडा है जैसा कि आपको मैंने दिखाया है। ये सभी जानवर जो हैं सर्दी सर्दी का आ रहे हैं। तो खुबेली नीचे से पालक ले आए कटी हुई, बस इनको पालक डालते हैं, ठीक है? चलो खुबेली डालो इनको, पालक खुली खुली डालो, फेंको फेंको। आज इनको जी पालक डाल दें हम, खुबे कुछ रखे ना, खाली ना डालो, बाकी जानवरों को डाल देना जो बांध है। वो बड़ी मुर्गों को भी डाल यार खड़े जल्दी से, आज वो बेली जी डाल रहा है, दूसरी साइड से बोलना बेटा। आज देखो काम क्या है कि अभी हुब्बे से हो नहीं, झगड़ाया हुआ है। खुबे दूसरे मुर्गे को भी डालो यार, माशाल्लाह जी ये देखें शोर से खा रहे हैं, चूज़ों ने भी हलचल मचाई हुई है कि हमें भी डाल दें। खुबेली इन बार चूज़ों को भी खोल दो, हाँ ये अपनी माँ के साथ बाहर निकल गए। बड़े वाले तो जी बाहर आ गए हैं, पालक खा रहे हैं और ये भी खा लेते हैं, छोड़ दो बेली खुद ही खाएंगे। आज इस साइड पे दरवाजा बंद कर दो इसका, चूज़ों वाली साइड पे डाल देना, बाहर डाल दो, हाँ ठीक हो गया जी। उतनी देर में हम कबूतरों को थोड़ा देख लेते हैं। इस बच्चे को यार पता नहीं क्या स्टेबल नहीं है, ये पाँव पे खड़ा नहीं हो पाता मेरे ख्याल से, ये पाँव से सही नहीं है, मजबूर है मेरे ख्याल से। ओहो इस बच्चे को पता नहीं क्या मसला है, शुरू स्टार पे ठीक था, पता नहीं क्या हो गया, इसकी टांग में मसला हुआ, टांगों का मसला लगता है, वो एक टांग से खराब हुई है ना, टांग आगे चल रही है, इसे अंदर का मसला लग रहा मुझे भी कुछ इस तरह ना। इनको खोल के देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचे हैं जी, इनका बच्चा निकला कि नहीं निकला। माशाल्लाह से ये दोनों जोड़ा बैठा हुआ आराम से, एक तो कल इसका अंडा मैंने देखे इसने उठा के बैठ फेंक दिया था, अब जो है मेरे ख्याल से एक में से बच्चा निकलने में निकला आया होगा, या बैठे हुए ना दोनों ऊपर। चलें जी अल्लाह हैड किया तो निकल ही आएगा बच्चा, कल देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने इनको बाहर निकाला, बारिश थी तो इस वजह से बंद किए हुए थे मैंने इनको, अब हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन प्यास लगी हुई, जिनको पानी ना मैंने पिलाया, अब इनको पानी पिला रहा हूँ, ये पानी पी लें फिर इसके बाद इनको फिर बंद कर दूंगा मैं। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।